हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के बारे में। इसमें हम लोग के दिमाग में ये चार पांच तरह की बातें या कई तरह की बातें चल रही है, जिनमें ये छह मुख्य रूप से सब लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। पहला है शिक्षा व्यवस्था में सुधार के दृष्टि से यह कितना अच्छा है। आखिर ये नई नियमावली आई है, ये शिक्षा व्यवस्था में कितना सुधार ला सकता है, इसके बारे में आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा। दूसरा, शिक्षकों की मान मर्यादा बचाने में इस नियमावली का क्या योगदान होगा। वेतनमान क्या होगा नए नियमित शिक्षकों का, इसमें नियोजित शिक्षकों को क्या रियायत दी गई है। परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, क्या इसका विरोध होना चाहिए। ये छह प्रश्न मैं समझता हूँ कि लगभग लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, या आप लोग के दिमाग में जो भी चल रहा है, आप लोग इस वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। निश्चित रूप से मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये मेरा अपना विचार है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के दृष्टि से कितना अच्छा होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2005 से अब तक जो शिक्षकों की बहाली होती आई है, तो ये डिग्री बेसिस पर शिक्षकों की बहाली हो रही है। मैं समझता हूँ कि डिग्री बेसिस पर शिक्षकों की बहाली निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। यदि डिग्री बेसिस पर शिक्षकों की बहाली लगातार हुई है, तो इसका खामियाजा हम लोग वर्तमान में देख ही रहे हैं कि शिक्षकों में कितनी कमियां रह गई है। यद्यपि कोई चीज़ पूर्ण नहीं होता है, लेकिन यदि सिस्टम में आधे से अधिक लोग में त्रुटि पाई जाए, तो निश्चित रूप से सिस्टम खराब हो जाता है। तो डिग्री बेसिस पर बहाली होने के वजह से 50% से अधिक खामियां आ चुकी है, जिसके वजह से आज सभी राज्यों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर वाट लगी हुई है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से कितना अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू, आयोग के थ्रू एग्जाम लेकर शिक्षकों की बहाली होगी, तो निश्चित रूप से योग्य शिक्षक आएंगे और पढ़ाने में सक्षम होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सरकारी स्कूलों में मैक्सिमम निम्न तबके के बच्चे, निम्न तबके के परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए उन लोगों को एक बेहतर शिक्षक मिल पाएगा। तो प्रश्न नंबर वन, आप लोगों को निश्चित रूप से मेरा विचार से आप अवगत हुए। अब देखिए शिक्षकों की मान मर्यादा बचाने में क्या योगदान होगा। तो आप बस में सफ़र करते हो, ट्रेन में सफ़र करते हो, शिक्षकों के बारे में क्या बोली जाती है, तो आप शिक्षक होने के बावजूद भी चुप रह जाते हैं, चूँकि कोई मान मर्यादा शिक्षक का रह नहीं गया, चूँकि लगातार डिग्री के आधार पर शिक्षकों की बहाली हुई है, तो सभी लोगों को एक ही तराजू में तौला गया, जिसके वजह से मान मर्यादा में भी कमी आई है, इसमें नो डाउट। ये चूँकि मेरा विचार है, मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ, मान मर्यादा में ऑब्वियसली कमी आई है, चाहे आप इसे लाख छुपा दें। तो मैं समझता हूँ कि यदि BPSC के द्वारा या कोई भी आयोग के द्वारा चयनित होकर यदि कोई अभ्यर्थी कहीं सेवा देने जाएगा, तो निश्चित रूप से उसको लोग इज्जत भी देगा, साथ ही साथ वो विद्यालय में बेहतर कार्य भी कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मान मर्यादा लौटने की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है दोस्तों। तीसरा नंबर पर हम लोग देखे हैं वेतनमान क्या होगा नए नियमित शिक्षकों का, क्योंकि अब राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा शिक्षकों को, लेकिन वेतनमान के बारे में अब तक कोई जिक्र नहीं किया गया है। जब राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा,
तो निश्चित रूप से वेतनमान जो भी होगा वो बेहतर ही होगा। और ऐसा नियम भी है कि राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए वेतनमान देना अनिवार्य है। तो ये अभी तक तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या होगा ये हम लोग देखते चलें। वेतनमान निश्चित रूप से जब आयोग के द्वारा बहाली की जाएगी तो वेतनमान बेहतर ही होगा। खैर इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जब तक आ नहीं जाती है वैकेंसी, उसी में वैकेंसी में ही इसका जिक्र होने की संभावना है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर का बात है कि इसमें नियोजित शिक्षकों को क्या रियायत दी गई है। ये थोड़ा सा सस्पेंस है इसमें। हालांकि सभी तरह के पोस्ट जो होते हैं, सभी तरह की जो नियमावली होती है किसी भी पोस्ट का, चाहे वो आईएएस का हो, चाहे बीपीएससी के लेवल का पोस्ट हो, जितने भी पोस्ट हैं उन तमाम में एक प्रक्रिया होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि डायरेक्ट 75% होता है तो 25% जो है प्रमोशन होता है। ये सब लोग जानते हैं। जैसे कि रेवेन्यू ऑफिसर बनता है तो उसमें रेवेन्यू ऑफिसर बीपीएससी से डायरेक्ट बनता है तो कितना प्रतिशत, 75% डायरेक्ट बनते हैं, और राजस्व कर्मचारी से 25% जो है प्रमोशन के थ्रू लोग जाता है। तो इस नियमावली में सबसे बड़ी खामी कहा जाए तो इसमें नियोजित शिक्षकों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ कि यदि इस नियमावली में 75% डायरेक्ट बहाली और 25% नियोजित शिक्षक जो योग्य होंगे उनके लिए यदि प्रमोशन का प्रावधान रख दिया गया होता तो शायद इसमें किसी तरह की किन्हीं को कोई दिक्कत शायद नहीं होती। इसलिए नियोजित शिक्षकों के लिए कोई भी रियायत नए नियमावली में नहीं दिया जाना, ये थोड़ा सा यहाँ पर मेरे दृष्टि में कमी है। इसमें ज़रूर ऐसा कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ प्रमोशन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था ही एक ऐसा देख रहे हैं जहाँ पर कोई प्रमोशन का व्यवस्था नहीं। नए नियमावली में कम से कम नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ तो रियायत दी जानी चाहिए, क्योंकि नियोजित शिक्षकों में भी अगर कुछ कमी है तो कुछ इसमें अच्छाई भी है। पिछले दिन से आप देख रहे होंगे बीपीएससी में जितने भी ऑफिसर बनकर के आ रहे हैं उनमें नियोजित शिक्षक पदाधिकारी बनकर के उभर रहे हैं, तो कुछ लोगों में क्वालिटी है। इसलिए यदि वो टीचर ही बनकर रहना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ प्रमोशन की व्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिए। ये मेरा अपना विचार है। उसके बाद देखिएगा पाँच नंबर का सवाल, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा। देखिए परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा इसके बारे में भी अब तक नियमावली में किसी भी चीज़ का जिक्र नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ ये बाद में जब वैकेंसी आएगी, जब वैकेंसी प्रकाशित की जाएगी उस वक्त पाठ्यक्रम के बारे में जिक्र होगा, इसलिए इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब सवाल उठता है क्या इसका विरोध होना चाहिए। तो कोई भी नया नियम आने से पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। समझे बुझे विरोध करना उचित नहीं। मैं सोचता हूँ कि नई चीज़ें लोगों को तुरंत समझ में नहीं आती है। तो कोई भी नया चीज़ आज तक हुआ है, चाहे GST लगा, नोट का जो विमुद्रीकरण हुआ वहाँ, यानी कि चाहे कोई भी एक नया सिस्टम लाए तो वहाँ थोड़ा बहुत विरोध होना तय होता है दोस्तों। इसलिए तत्काल इसका विरोध हो रहा है, लेकिन नई बहाली में मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेहतर है, क्योंकि एक शिक्षक की मान मर्यादा जो थी वो सभी लौटने की पॉसिबिलिटी है दोस्तों, इसलिए इसका विरोध होना चाहिए। तो नियोजित शिक्षकों के दृष्टि से सिर्फ ये थोड़ा सा इसमें कमी रह गई है, इसलिए शायद इसमें विरोध किया जा रहा है। तो अगर नियोजित शिक्षकों के लिए 25% भी रियायत होती, छूट होती, या उसके लिए कोई व्यवस्था होती, चाहे वो ऐसे 10 साल की अवधि, 20 साल की अवधि पूरा किए उसका प्रमोशन, इस तरह कोई भी व्यवस्था यदि होती तो शायद विरोध का कोई कारण नहीं होता। लेकिन
नई नियुक्ति की दृष्टि से यदि इस नियमावली को देखें तो ये बहुत बेहतर है, लेकिन वेतनमान क्या मिलेगा ये तो भविष्य में ही पता चलेगा वैकेंसी आने के बाद ही। तो दोस्तों ये पूरा मेरा विचार था, आप लोग भी अपना विचार कमेंट के माध्यम से ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। नई नियमावली कैसा लगा आप लोगों को ये आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, यदि आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।